नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों। नगर निकाय चुनाव के लिए अब रणवेदियां बच चुकी हैं और योद्धावी मैदान में आ डटे हैं। 22 जून को नामांकन वापसी के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं और अब प्रत्याशियों ने अपना चुनाव अभियान आरम्भ कर दिया है। वहीं ग्वालियर में चुनाव लड़ रही मुख्य दो दल भाजपा और कांग्रेस भी दमखम से लगे हुए हैं। ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 3 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती मंजू दिग्विजय सिंह राजपूत के कार्यालय का शुभारंभ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने लोगों से अपील की कि वे 6 जुलाई को होने वाले चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। वार्ड नंबर 3 से मंजू दिग्विजय राजपूत जी और महापौर पद के लिए सुमन शर्मा जी को बनाए, ये मेरी आपसे अपील है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब वार्ड क्रमांक 3 की प्रत्याशी मंजू राजपूत से बात की तो उन्होंने कहा कि ये भले ही उनका तीसरा चुनाव है और उन्हें हर बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उन्हें पूरा विश्वास है जनता इस बार भी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान जरूर करेगी। समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो हर कोई करना चाहेगा क्योंकि पहली नंबर वन पार्टी है और प्रत्याशी को सभी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है क्योंकि अपन दोनों का ही कर रहे हैं। अपन ऐसा नहीं है कि मेयर को पीछे छोड़ रहे हैं, हम तो उनको साथ लेके अपन आगे चल रहे हैं, तो रिस्पॉन्स सब जगह से अच्छा मिल रहा है। मुझे देखा जा रहा है कि जिस तरीके माननीय मंत्री जी आपके गार्डन में आए थे, किस तरीके पब्लिक का सपोर्ट रहा आपको, जो है उनका किस तरीके का सपोर्ट रहा आपको? सपोर्ट अभी मुझे अच्छा मिल रहा है सभी का, मुझे अपने संगठन पे भी मेरे जो हैं बड़े वरिष्ठ जन उनका सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा अशोक शर्मा से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरा देश तरक्की कर रहा है, मोदी सरकार के निर्देशों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर नीचे तक लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। पूरे शहर के 66 वार्डों में एक लहर है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे सारे उम्मीदवार बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि अपनी नहीं देश की सोचो, हर मोहल्ले के हर आदमी के आंसू पोंछो। मंजू आज हमारे बीच में उम्मीदवार हैं, इस बार से तीसरी बार शानदार जीत हासिल करने जा रही हैं। शुभकामनाएं आम आदमी उनको दे रहा है और निश्चित तौर पर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो जनहितैषी कार्य हुए हैं जनता भी उसको महसूस कर रही है। मौके पर इस बाढ़ में हम मंजू जी को फिर से बधाई देते हैं कि वो दो बार पार्षद रही हैं लेकिन इस बार पिछली जीत से भी और ज़्यादा शानदार जीत वो हासिल करेंगी। जनता का उनको लाड़ मिलेगा, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा और जिस प्रकार से उनने सेवा की है जनता की, आने वाले समय में और प्राणपन से वो जनता के बीच में रह के काम करेंगी, यही हमारा कहना है।